दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। शनिवार है यहाँ पर और सुबह के 10:15 बज चुके हैं। कल से मेरे को कॉल आ रही है नित्यानंद गुप्ता की, तो मैं आपकी सब्र की दाद देता हूँ और आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। और कल थोड़ा सा हम लोग बिजी थे तो हो नहीं पाया बात। बताएं, आप पूरा थैंक नाम क्या है यू आपका, कहाँ पर है, कौन से शहर में है? जी सर। नमस्कार, मेरा नाम दया गुप्ता है सर। बेसिकली मैं न्यू दिल्ली शहर से हूँ, न्यू दिल्ली इंडिया से सर। मेरे को पता है न्यू दिल्ली इंडिया में ही है। न्यू दिल्ली में कहाँ पर हो भाई, कहाँ रहते हो दिल्ली में? एक्चुअली सर रमेश नगर में रमेश नगर। रमेश नगर तो वो है जहाँ पर तिलक नगर के बगल में, जो वेस्ट दिल्ली में। जी। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, राइट थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं दिल्ली के बारे में। राइट सर। बेसिकली आप भी इंडिया से हो ना बताए क्या क्या करते हैं, कहाँ वहाँ जॉब क्या करते हैं आप? जाना सर। एक्चुअली क्या ना, राइट नाउ मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ। इससे पहले मैं बैंक में था। फ्रीलांसिंग करते हैं और पहले बैंक में थे। फ्रीलांसिंग मतलब क्या करते हैं फ्रीलांसिंग में? फ्रीलांसिंग में सर बेसिकली जो मेरे कॉर्पोरेट्स और जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बिजनेस लोन में हेल्प आउट करते हैं, उनको लोन देने में। अच्छा, लोन दिलवाने में। जी राइट सर, ठीक है, चलो कभी मांगे इंडिया तो अभी लोन आपसे अप्लाई करवाएंगे। श्योर सर। ये बताएं कि कनाडा के क्या चक्कर है, कनाडा क्यों जा रहे हैं आप? तो लोन वगैरह दिलवाते हैं, कनाडा में क्या आपके वो चल रही है प्लानिंग क्या सब? एक्चुअली क्या है ना सर, बिफोर कुछ दिनों से एक्चुअली क्या मेरी वार्तालाप हो रही थी एक एक कैनेडियन पर्सन है जो एचआर है क्राउन प्लाजा के। बेसिकली मेरे को नंबर उनका आई थिंक लिंक्डइन से कहीं थ्रू मेरे को मिला था। किसी कमेंट्स में उनका नंबर वहां पे था, तो मैं वहां से उनको लिंक किया अपने व्हाट्सएप से। फिर व्हाट्सएप से हेलो आई किया, फिर उन्होंने अपनी सारी सी आईडी वाईडी भेजा। फिर उनसे मेरी बात होने लगी, वार्तालाप होने लगी, तो उन्होंने बोला कि कुछ वैकेंसीज हैं क्राउन प्लाजा होटल में, जो थोड़ा बेसिकली सा क्या धीरे नाम धीरे है धीरे चलते हैं, टोरंटो। धीरे धीरे। दया, आप बहुत फास्ट निकल रहे हो। ये आपने पहली बात धीरे धीरे करते हैं, ये आपने लिंक्डइन से आपने उनसे कांटेक्ट किया और लिंक्डइन से उन्होंने कहा कि जॉब्स वगैरह है क्राउन नहीं प्लाजा नहीं के। नहीं एक्चुअली क्या ना, लिंक्डइन पे मैंने उनका नंबर मिला था। लिंक्डइन पे उनसे नहीं, लिंक्डइन में मैं कुछ बेसिकली ऐसी देख रहा था वहां पे, मतलब कोई कमेंट्स था, उस कमेंट्स में बेसिकली उनका नंबर था। नहीं, वो उससे बात बनती नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन पे पोस्ट पे नीचे कमेंट्स लिखने वाले कुछ और हो सकते हैं। लिंक्डइन पे उनकी प्रोफाइल तो नहीं थी ना? नहीं सर, लिंक्डइन पे हाँ, इनका नाम मैंने सर्च किया, उनकी प्रोफाइल नहीं है। छोड़े, चलो इस बात छोड़े। आप बताएं, क्राउन प्लाजा में वो कह रहे हैं आपको जॉब मिल जाएगी। क्राउन प्लाजा में, क्राउन प्लाजा तो बहुत है यहाँ पर, कहाँ है क्राउन प्लाजा, लोकेशन कौन सा होटल है, कहाँ पर, कौन से शहर में है? सर वो ओरेंटी हाँ जी, ओरेंटी क्या समझ नहीं आया मेरे को, क्या ओरेंटियो सर, ओरंटियो तो ओंटारियो, कोई जगह नहीं, ओंटारियो, ओंटारियो बोल रहे होंगे शायद ओंटारियो आप। सर, ओंटारियो, हाँ, ओंटारियो सॉरी, ओंटारियो में, ओंटारियो में बेसिकली वो क्राउन प्लाजा के एचआर मैनेजर हैं। वो उन्होंने ना अपने सर मेरे को जी, क्या सर जी सुनो ब्रदर, थोड़ा सा हौसला रखो। ओंटारियो एक बहुत बड़ा सूबा है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसमें कई शहर हैं और उसमें कई होटल होंगे क्राउन प्लाजा के। आई एम श्योर 8-10 तो होंगे वहां पर। अब कौन सा क्राउन प्लाजा है, कौन से लोकेशन पे है और वो हायरिंग मैनेजर किस जगह के हैं, इसके बारे में पहले तफसील चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि वो कौन आदमी है, कौन शख्स है, कहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। मेरे को लगता है ये सब गोलमाल लग रहा है कि कौन है, कहाँ का है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि उनका नाम क्या बताया आपने, जो आपने कहा कि वो जो आदमी थे, वो जो बता रहे थे आपको, नाम क्या बताया आपने? सर। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा उनका नाम। बात नौकरी चल रही है, आप कह रहे चेक करना पड़ेगा। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, ये तो नहीं है हाँ जी, हाँ जी सर, यही है। और टेलर मैकेल सर जी? ये टेलर मैकेल्स नाम का कोई आदमी, एक शख्स यहाँ पर काम नहीं करता और ये आईडी ही नकली है ब्रदर। हायरिंग बट मैनेजर सर, ये होटल जो से, क्यूआर कोड है मैंने इसको स्कैन किया तो क्राउन प्लाजा के नाम से आ रहा था गूगल पे। वो तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा। यही तो चालाकियां होती हैं आईटी की, कि उसका ये कोड है कहीं से कहीं चिपका दिया। और अच्छा सर, ये ऐसा आईडी बनाना तो कोई मुश्किल नहीं है, आईडी किसी की फोटो चिपका देते हैं। ये टेलर मैकेल्स नाम का कोई बंदा, मैं नहीं समझता कि कोई क्राउन प्लाजा में काम कर रहा है। और ये हायरिंग मैनेजर ऊपर लिखा है और इधर सीईओ डायरेक्टर के साइन है, ऐसे कभी आईडी बनती नहीं है क्राउन प्लाजा की ब्रदर। तो अच्छा ये आईडी नकली है, बाकी तो बाकी बातें तो बाद में होंगी, आईडी नकली है। ठीक है जी, और एक देखते हैं, एक सेकंड होल्ड करना, और एक देखते हैं, शायद आपने ये भी कुछ है आपने भेजा है। ये जो आपने ये दया ये जो जॉब ऑफर भेजा है, ये भी आ रहा है आपको, नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जी जी सर, जी सर, विजिबल है सर। विजिबल है? थैंक यू वेरी मच, विजिबल है। दयानंद गुप्ता आपका नाम है, थोड़ी आपकी नाम फोन चला जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका वो लिखा हुआ है फोन नंबर भी।
After careful evaluation of application service, they would like to inform confirm the property Crown Plaza, Toronto Airport. Salary is $3,100, 37. ये job offer नकली है brother. देखिए बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक भी है यहाँ पर है. क्राउन प्लाजा वाले ऐसी ऐसा जॉब लेटर लिख के देंगे, विटोरियो कोलाडो फलाना ऊपर जी कनाडा की वो लगी है, वो सील लगा दी है कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी की. जो कनाडा में रहते हैं उन्हें पता है कि सीएफआईए की सील कभी भी ऐसी लेटर्स पे लगती नहीं है, और ये सीएफआईए की सील है ही नहीं है इसमें सीलान. ये 100% नकली है सर जी, 100% क्या मलिक है, 200% नकली है ये. तो ये नकली है, इसका जॉब नकली है, इसके इसका सब कुछ है वो नकली है. आप बताएं मेरे से क्या सवाल है आपके ब्रदर. एक्चुअली सर ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप किसी से बात करा दो इस पार्ट पे, मैं सारी चीजें उनसे क्लियर कर लूंगा, मैं अपने पार्ट पे एकदम सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ बेसिकली. दया 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 मैं क्या बोलूँ आपके बारे में यार, आप लोन दिलवाते हो दिल्ली में लोगों को, सबको पैसे का वो करते हो आप काम, लेकिन इस काम में आप लोचा खा गए आप इसमें, क्योंकि ये मैं सर एग्जैक्टली मेरे को बात पूरी बात तो करने दो मेरे को भाई, पूरी बात करने दो. सॉरी ये जॉब नकली है, ये आईडी नकली है, ये ऑफर नकली है, ये सील नकली है. इस दोनों दस्तावेजों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें असल है कुछ, ये सब नकली है. अब आपको जो करना है कर सकते हैं, जिनका भी उनको वो नाम है असली नकली नाम है, जो उनसे गुफ्तगू करना है चालू कर सकते हैं. आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको अपना फैसला दे दिया, ये सब नकली है. ओके मेरे लिए क्या सेवा है, मेरे लिए क्या हुक्म है आपका. एक छोटी सी और क्वेरी सर, बेसिकली वो भी मेरे को कह रहे थे कि आपका बेसिकली जो पहले आपको आईएलटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा, वो भी क्या नाम है वहां पे आके कनाडा में, फिर जाके आपका बेसिकली उसके बाद सारा प्रोसेस होगा. अभी आपको 14,000 पे करना पड़ेगा, 14,000 पे करने के बाद फिर हम आपका क्या नाम है वीजा का प्रोसेस स्टार्ट करें, जिसमें एलआईएम में सारी चीज प्रोसेस का चक्कर क्या है. ऐसे ऐसे कॉल्स मेरे पास रोज के दो तीन कॉल्स आते हैं इंडिया से और हर जगह दुबई से वगैरह इस तरह से. उनको सबको मैं एक ही बात कहता हूँ कि ठीक है आपने 14,000 मांगने हैं, ठीक है आप बताए 14,000 मैं देने कहाँ आऊँ. अगर आप कनाडा में बैठे हैं, अगर आप हायरिंग मैनेजर हैं कनाडा में, आप अपना मेरे को असली पता और असली फोन नंबर बताएं, मैं 14,000 देने आपके बिहाफ में, दयानंद गुप्ता के बिहाफ में 14,000 अमरजोत सिंह देने जाएगा उसे, और उसको मैं जाके उसके पहले उसके उसके दर्शन करूंगा, उसके पैर छूंगा, उसको पहले अच्छी तरह उसकी वो वरमाला डालेंगे उसके गले में, और 14,000 भी देंगे, पता तो लगे आदमी है कौन. सो बात 14,000 की नहीं है, बात तो ये है कि ये सब काम नकली है. तो मैं चाहता हूँ कि सामने आके रूबरू तो हो, हम देखे तो सही ये महानुभाव है कौन. बेसिकली सर जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि आप मतलब जो भी आपके गाइडेंस है, चाहे जो भी गार्जियन, आप उनसे बात करा दो, मैं उनसे बात कर लूंगा, उनको सारी चीज मैं इस पे प्रूफ कर दूंगा. मैंने बात कर ली आपसे, आपने मेरे से पूछा, आपने कहा गार्जियन से बात करिए, आप करनी है, आपने मेरे से बात करी, मैं बता रहा हूँ नकली है, मेरे सामने आ जाए बता दे मेरे को कैसे असली है. अगर अगर उनके पास कुछ इसमें असल है तो ले आए उनको, अभी कॉल करें, अभी अभी बुलाएं उनको फोन पे या स्काइप पे या व्हाट्सएप पे कहीं बुलाएं. सर मैं बोल देता हूँ आ जाएंगे उस स्पेशली उस पार्ट पे, तो मेरी अभी जस्ट उनसे व्हाट्सएप पे और चैट हो ही रही थी. आप ऐसा करो, छोड़ो अभी हमारी बात हो रही है जी. आप इसको होल्ड कर दो, हमारी बात हमें चल रही है, दूसरे नंबर से उसको कॉल करो, उसे बोलो कि स्काइप पे भी आ जाए अगर उनके पास फुर्सत है कोई, अगर कोई है कहाँ पर है जहाँ पर है. अभी तो टोरंटो में मेरे ख्याल करीब करीब 12:15 बज रहे हैं, तो हम जरूर नींद से उठ गए होंगे, तो अगर वहाँ पर हैं तो आप बुला लें उनको, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है. या फिर मैं नंबर शेयर कर दूं क्या सर आपके साथ उनका. नहीं 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 देखिए मेरा उनको कॉल करने का कोई हक नहीं बनता, ना मेरा कोई बनता है. आप उनको उनका नंबर मेरे को दोगे, मैं उनको कॉल करके वो कहेंगे आप कौन, हु केयर्स, आई हैव नो ट्रांजैक्शनल यू नो इंटरवेंशन इन दिस, कि ना मेरा उनसे कोई लेना है देना है. मैं तो आपकी हेल्प, मैं तो दयानंद गुप्ता की हेल्प करने के लिए आपके लिए उनसे बात करने को तैयार है. अगर मैं उनसे कॉल करूंगा या वो यू नो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू नो मी मेकिंग अ कॉल टू हिम. अगर उनको बात करनी है, अगर उनको इतना ही लग रहा है कि सब कुछ वो आप दिखा लो ये करवा लो, तो हम देख रहे हैं अभी सामने, बुलाएं सामने, अगर अगर है उनमें कुछ इसमें कुछ असली चीज है सामने आके बताएं मेरे को क्या है. तो सर मैं एक बार बात कर लेता हूं, फिर मैं आपको एक बार 2 मिनट में दोबारा कनेक्ट कर सकता हूं सर. हाँ ठीक है, कर लें ठीक है, थैंक यू. ठीक है सर, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दोबारा में कनेक्ट करता हूँ फिर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, बाय.